हाँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं डिजर्विंग थी और मैं और आगे आनी चाहिए थी, मैं जीत भी सकती थी। कि उनका वो जो लव एंगल उन्होंने चलाया, फेक लव एंगल या जो भी था, वो आई थिंक उसके भरोसे वो इतना लंबा आ गए एंड ही स्टिल देयर। शायद मैं भी अगर कोई लव एंगल खेलती तो मैं आगे तक पहुंच जाती, फिनाले तक पहुंच जाती। कि उनके थोड़े रानियों वाले एकदम नखरे मुझे लगते हैं। एक झगड़े में किसी की आप इज्जत उतारने लग जाते हो। बिग बॉस 16 की एक्स कंटेस्टेंट सुम्बुल तोकिर खान का कहना है कि वो ट्रॉफी के लिए डिजर्विंग थी, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलती तो शो की विजेता वही बनती। हाँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं डिजर्विंग थी और मैं और आगे आनी चाहिए थी, मैं जीत भी सकती थी, पर ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि किसको नहीं जीतना चाहिए, कौन डिजर्विंग। सुम्बुल ने कहा कि शालीन बिना गेम के लव एंगल बनाकर शो में टिका है, अगर वो भी कोई लव एंगल बनाती तो फिनाले तक पहुंच जाती। बिना गेम खेले आगे तो मैं भी बड़ी, मैंने कोई गेम नहीं खेला, मैं दिल से चली हूँ अंदर। पर उसके साथ मैं अगर एक नाम लेना चाहूँ तो मेरी नज़र में शालीन, और उसका कारण बहुत सिंपल सा है कि शालीन का मैंने स्टार्टिंग से चिकन के अलावा कोई और मुद्दा देखा नहीं था। इज़ अ नाइस गाय एंड कुछ और मुझे ज़्यादा गिला शिकवा नहीं है, ऐसा कुछ मैं मन में लेके नहीं घूम रही हूँ। जस्ट दैट कि आई थिंक कि उनका वो जो लव एंगल उन्होंने चलाया, फेक लव एंगल या जो भी था, वो आई थिंक उसके भरोसे वो इतना लंबा आ गए एंड ही स्टिल देयर। सो आई थिंक कि वो थोड़ा सा कि शायद मैं भी अगर कोई लव एंगल खेलती तो मैं आगे तक पहुंच जाती, फिनाले तक पहुंच जाती, या फिर मैं सिर्फ कैमरा में दिखने के लिए कुछ भी फालतू के मुद्दे उठाती रहती, गंदगी करती या नीचा दिखाती, तो शायद मैं आगे पहुँच जाती, पर मुझे ये सब चीज़ें सही नहीं लगती हैं। एक्ट्रेस का कहना है कि टीना के रानियों वाले नखरे हैं, वो शालीन और टीना से कोई दोस्ती नहीं रखेंगी। बिकॉज आई थिंक कि शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, शी वॉन्ट्स कि हर एक चीज़ उनके इर्द गिर्द हो, जिसके लिए उनको एक बड़ी ही रानी के सिंहासन पर बैठाया गया था, विच इज़ एक्चुअली राइट। कि उनके थोड़े रानियों वाले एकदम नखरे मुझे लगते हैं। आई इट्स नॉट दैट कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है उनसे, यानी बिकॉज फॉर मी शो इज एंडेड, पर अभी जो आपने मुझे कारण दिया उसके हिसाब से और कोई है नहीं घर के अंदर। मैं ये उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि वो दोस्ती तोड़ती हैं बनाने से ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेंटर्ड मुझे बहुत लगी। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर टीना शालीन, सबके साथ दोस्त। टीवी की इमली का कहना है कि उन्हें काफ़ी बुरा लगता था कि जब बार बार कहा जाता था कि वो शो में सोई रहती हैं, हालांकि इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके बारे में कोई बुराई करेगा। मुझे बुरा लगने लगा था बीच बीच में कि अभी तो मैं जगी हुई हूँ, जब मैं जगी थी तब भी बोलते थे कि सोती रहती है, मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगी कि यार अब तो मैं अच्छे से कर रही हूँ, अब तो मैं हर जगह इन्वॉल्व हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो। वो चीज़ थोड़ी बुरी लग रही थी। और फिर क्या होता है ना कि आपको कोई भी, चाहे वो शेखर सर हो चाहे सलमान सर हो, कुछ भी आके बोले, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर वही चीज़ जब कंटेस्टेंट्स आपके सामने रिपीट करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं वो बोल बोल के, तब ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज यू कैन नॉट से एनीथिंग, जस्ट दैट कि आपको खुद को पता है कि आप कितने इन्वॉल्व रहे हो। तो बुरा लगता था, बट आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट एक हो गया था कि अभी छोड़ो, मेरे को अभी इतना कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं, मेरे को होना ही नहीं है। पर फिर आया टॉर्चर टास्क, जिसमें मैं कुछ भी आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज वो लोग बहुत गलत। आई थिंक मेरे पेशेंस लेवल और हाई हो गए, और अब अगर मुझे कोई भी मेरे बारे में बुराई करना चाहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलना चाहे, तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर से मैं बहुत सुन के आई, जितना नहीं सुनना चाहिए था वो भी सुन के आई। सो या मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज एक सहन शक्ति और बढ़ गई है, पहले भी थी अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। उसके साथ साथ हम बी अ लिटिल मोर रिजर्व नाउ, क्योंकि मैं हर एक इंसान के साथ बहुत पोलाइट रही हूँ हमेशा से, मस्ती करना ये सब, पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान को मस्ती समझ में आए, क्योंकि वो कई बार गलत तरीके से भी समझा गया है। तो या इसके साथ ही सुम्बुल ने कहा कि शो में फैमिली की इज्जत तक उतार दिया जाता था। जब कोई भी किसी की फैमिली तक जाता है, जैसे कि टीना गई थी मेरे डैड तक और अर्चना गई थी, तब लोगों ने मेरा रिएक्शन देखा है। एक झगड़े में
किसी की यू नो आप इज्जत उतारने लग जाते हो उससे, वो इज्जत उतारते उतारते जब आप उसकी फैमिली पे जाते हो वो एक अलग चीज़ है। पर जो पापा की एक्टिंग करना, जबकि वो मेरे पापा की एक्टिंग है भी नहीं, बिल्कुल वैसे बात नहीं करते, पापा पूरी दुनिया जानती होगी, पर उसके साथ साथ वही चीज़ है कि वो एक फन स्पिरिट में होता था। मैंने जब फारा मैम आई भी थी, मैंने फारा मैम को पूछा भी था कि अगर पापा को बुरा लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले एक बार स्टैंड को बोला था, तो फारा मैम ने बोला कि नहीं पापा इज़ ओके, तो एज लॉन्ग एज पापा इज़ ओके, पापा इज़ टेकिंग ऑल ऑफ दिस फन स्पोर्टिंगली, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन मैं घर के बाहर आई हूँ, उस दिन मैंने एपिसोड में देखा था कि स्टैंड बोल रहा था कि उसको बुरा लगता है कि जितने बार उसको बोला जाता है कि पापा की एक्टिंग करो। सो यह मतलब वो एक सबूत है सब लोगों के लिए कि जिसको बोला जा रहा है करने के लिए उसको भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि यार क्यों करा रहे हो, पर एज लॉन्ग एज माय फादर इज टेकिंग इट ऑल ऑफ दिस इन अ स्पोर्टिंग वे देन व्हाई नॉट। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।